हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग बाइक बॉयज। टुडे आई वांट टू टेल यू कि कैसे हुई थी इंडियन रेलवेज़ की शुरुआत और फ्रेंड्स किसने की थी। क्या आप लोगों को ये पता है कि इंडियन रेलवेज़ की शुरुआत किसने की थी और इसको किसने बनाया था और ये कब स्टार्ट हुई थी और ये आज इतनी इंडियन रेलवे पॉपुलर कैसे है। क्या आपको ये बात पता है? आई थिंक नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये बात। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडियन रेलवेज़ की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने की थी और भविष्य में क्या क्या होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे ये पहली कोई नई वीडियो होगी जो हिस्टोरिकल वीडियो ट्रेन के बारे में आ रही है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे के इतिहास में 16 अप्रैल बेहद ही खास दिन माना जाता है क्योंकि इंडिया में पहली बार अपने ट्रैक पे दौड़ी थी ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को। आइए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय रेल का इतिहास 168 साल पुराना है। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से हुई। मतलब इतना तो साफ है कि अंग्रेजों ने ही शुरुआत की इस भारतीय रेलवे किया। भारतीय रेलवे ने सबसे पहली ट्रेन 18वीं सदी में चलाई गई। देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, इसके बीच चलाई गई। से छत्रपति शिवाजी से थाने के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर सफ़र तय किया था। भारत में उस समय ट्रेन की शुरुआत देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पहली ट्रेन को भाप मतलब स्टीम इंजन जो होते, जिसमें से ऊपर से आपने देखा होगा धुआं निकलता है, उसे चलाया गया था, भाप इंजन के जरिए चलाया गया था। क्या दोस्तों आपको पता है, पहले, आजकल तो है टॉयलेट, बट पहले इंडियन रेलवेज में टॉयलेट नहीं हुआ करती थी। आइए मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ कि ट्रेन में टॉयलेट का इंतजाम कैसे करवाया गया और किस वजह से करवाया गया। आइए, 1909 में ट्रेन में यात्रियों के लिए टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई। 1909 से शुरू की गई। पश्चिम बंगाल के एक यात्री ने, ओलिक चंद्र सेन ने, रेलवे स्टेशन को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि वह लघुशंका क्या होता है, मैं कमेंट में लिख दूंगा, बता देना क्या होता है, ये मुझे नहीं पता, के लिए लघुशंका के लिए गए, आई थिंक टॉयलेट ही होता होगा, गए थे और इसी दौरान उनकी ट्रेन उन्हें छोड़कर चली गई। रेलवे ने इनकी शिकायत का सुनवाई करते हुए सभी डब्बों में यात्रियों के लिए टॉयलेट की सुविधा शुरू की थी। इससे पहले ट्रेनों में शौचालय नहीं हुआ करते थे और वर्ष 1851 में केवल प्रथम श्रेणी के डब्बों को इस सुविधा में जोड़ा गया था। हमारे इंडियन रेलवेज ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि आगे भविष्य में इंडियन रेलवेज क्या क्या करने वाली है और क्या कर रही है इस टाइम। आइए बताता हूँ मैं आपको। भारतीय रेलवे के नाम कई तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। इस समय विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत की चिनाब नदी पर बन रहा है और सिविल इंजीनियर के चमत्कार का आश्चर्य है कि यह पुल पूरा बनने के बाद पेरिस के एफिल टावर को भी ऊंचाई के मामले में पीछे छोड़ देगा। इस समय भारत के लगभग 115,000 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक का जाल फैलाया गया है। भारतीय रेलवे अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऐसा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे ने लगभग 16 लाख लोग कार्य करते हैं। इस तरह यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नौकरी देने वाला विभाग है। वाह, भारतीय ट्रेनों में प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। भारत में छोटे बड़े कुल मिलाकर 7,500 रेलवे स्टेशन हैं।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ का चारबाग स्टेशन अन्य रेल स्टेशनों से अलग है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली के मेन स्टेशन का नाम दुनिया के सबसे बड़े रूट लीबे इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड भी भारतीय रेलवे के नाम ही है। और फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन भी सारी पटरियों पर दौड़ सकती है और कुछ कुछ तो चलने भी लगी है मुंबई के साइड, और कुछ टाइम बाद चलेगी। भारतीय रेलवे इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसकी शुरुआत जल्द होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, ये ओल्ड न्यूज़ है, सो इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है और ये ट्रेन चल भी रही है। तो मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। सेमी बुलेट ट्रेन 107 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। वैसे साल 1988 में दिल्ली और भोपाल के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई। इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती पर इसे शुरू किया गया था। ओके, दिल्ली भोपाल के बीच चली देश की सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस साल 1988 में दिल्ली और भोपाल के बीच चलाई गई है। ओके, इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जन्मशती पर इसे शुरू किया गया था। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा 3 अगस्त 2002 को पहली बार भारतीय रेलवे ने घर बैठे इंटरनेट के जरिए टिकट बुक कराने की सुविधा की। तो फ्रेंड्स, ये इसकी पूरी हिस्ट्री हो गई इंडियन रेलवेज़ की, जो कि फ्यूचर में जो आने वाली है, और जो हिस्ट्री थी वो भी मैंने आपको बताई। तो फ्रेंड्स, आपको आई थिंक पूरी जानकारी अब मिल चुकी है कि इंडियन रेलवे की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने की थी, और भविष्य में क्या क्या होने वाले हैं। तो आपको यह जान के आपको गर्व होना चाहिए इंडियन रेलवे पे, कि बहुत अच्छी बात है कि फ्रेंड्स, हमें प्राउड फील करना चाहिए। इंडियन रेलवेज आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है और आगे और भी हार्डवर्क कर रही है। सो आपको आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इंडिया की हिस्ट्री और फ्यूचर जानने में। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जिनको ये बात नहीं पता कि इंडियन रेलवे की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने की, कब हुई, व्हाटएवर, जो भी बात है, जितने भी डाउट्स है आपके, ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैं ये बात गूगल पे देख के ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन आजकल कोई गूगल पे सर्च नहीं करता कि कैसे ये सब वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, और भी ऐसी वीडियोस लाऊँगा। अब ट्रेन की तो मैंने बता दी, इंडियन रेलवे हिस्ट्री। ओके, तो अब मैं आने वाले फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि मैं किस किस तरह की वीडियोस भी डालूंगा। आई थिंक इसी तरह की वीडियोस इसी से रिलेटेड होगी वीडियोस। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। सो फ्रेंड्स, आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और एक कोई अच्छा कमेंट करना, और ज़रूर ये बात तो 100% कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी हेल्प हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।